नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सिविल डिज़ाइन में। आज के इस वीडियो में जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का एमपी के जावा डिस्ट्रिक्ट में काम चल रहा है उसकी अपडेट के बारे में देखेंगे। ये जो लोकेशन है यहाँ पे स्लोप का ड्रेसिंग वर्क किया जा रहा है, यानी कि स्लोप कटिंग करने के बाद में यहाँ पे स्लोप पे कॉम्पैक्शन किया जा रहा है। उसके लिए एक जो कैटरपिलर का पीसी है उस पे प्लेट कॉम्पैक्टर फिटेड है और दूसरा जो वोल्वो का पीसी है वो स्लोप को कट करने में यूज़ किया जा रहा है। तो ये जो प्लेट कॉम्पैक्टर है उसका एरिया अप्रोक्स 0.5 मीटर स्क्वायर होता है और इसमें लो वाइब्रेशन प्रोवाइड किया जाता है ताकि इसके ग्रेन टू ग्रेन पार्टिकल्स कनेक्ट हो जाए और इसके ऊपर जो है आगे के प्रोटेक्शन वर्क किए जा सके। ये बेड एम्बैकमेंट की टोटल 6 मीटर हाइट को कंटेंट करता है। यहाँ पे जो फिलिंग मटेरियल है वो ग्राउंड लेवल से 6 मीटर हाइट पे है और उसके बाद में क्रस्ट का 650 mm का जो है वर्क किया गया है। यहाँ पे देखिए जो एक्स्ट्रा पार्टिकल्स हैं उनको फिनिशिंग टच दिया जा रहा है पीसी के माध्यम से। जहाँ पे फिलिंग हाइट 7 मीटर से ज़्यादा है वहाँ पे लॉन्ग बोन एक्सेलरेटर का यूज किया जाता है ताकि यहाँ पे पूरे एरिया को एक साथ कवर किया जा सके। प्रोजेक्ट प्लानिंग के मुताबिक यहाँ पे जो भी माइनर वर्क्स हैं उनको स्ट्रक्चर के वर्क के साथ पैरेलल में छोड़ा जाता है ताकि जैसे जैसे स्ट्रक्चर्स के वर्क कंप्लीट होते रहेंगे और वैसे वैसे ही माइनर वर्क्स कंप्लीट होते रहेंगे तो फाइनल फेज में स्ट्रक्चर के वर्क्स और माइनर वर्क्स दोनों एक साथ कंप्लीट होते हैं और इस पूरे प्रोजेक्ट को एक साथ पब्लिक कर दिया जाता है जब इसका फिनिशिंग टच कंप्लीट हो जाता है। ऊपर में आप 2 मीटर का अनपेव्ड शोल्डर यानी अर्दन शोल्डर देख रहे होंगे। ये शोल्डर यहाँ पे कर्व बनाने में और MCBC का वर्क करने के लिए छोड़ा गया है और यहाँ पे मेटल बीम क्रस्ट बैरियर लगाया जाएगा। तो ये जगह हैं उस काम में यूटिलाइज की जाएगी जो कि फर्दर जो है प्रोटेक्शन वर्क के लिए यूज की जाएंगी। यहाँ पे देखिए दिस इज एन अनदर टाइप ऑफ प्रोटेक्शन वर्क जिसमें आरीवाल के बीच में जहाँ पे मीडियन का पार्ट्स है वहाँ पे जियो सेल डाला जा रहा है ताकि जो मीडियन का सोइल है वो कटके यानी इरोड होके स्ट्रक्चर में ना जाए तो इस पोर्शन को जियो सेल से कवर किया जाएगा और उसके बाद में यहाँ पे कॉन्क्रीटिंग की जाएगी। अगर जियो सेल की थिकनेस की बात की जाए तो यहाँ पे 75 mm थिकनेस है और टोटल जो है ऊपर में 15 mm हाइट तक यानी टोटल 90 mm कंक्रीट वर्क किया जाएगा यहाँ पे। तो ये जो पोर्शन है यहाँ पे अर्दन छोड़ा जाएगा, यहाँ पे पेड़ पौधे लगाए जाएंगे बट ये जो स्ट्रक्चर के किनारे वाला पोर्शन है यहाँ पे जियो सेल डाल के इसमें कॉन्क्रीटिंग की जाएगी। जो पहले स्टोन पिचिंग का वर्क किया जाता था उसी के जो नया एडवांस टेक्नोलॉजिकल वर्जन है जियो सेल जो कि प्रोटेक्शन वर्क में यूज किया जाता है। यहाँ पे जियो सेल का वर्क कन्फाइनमेंट प्रोवाइड करवाना है और ये पॉलीप्रोपिलीन का बना होता है। जियो सेल को मीडियन के साथ साथ स्लोप में भी यूज किया जाता है। स्लोप में यहाँ पे कंक्रीट की जगह ब्लैक कॉटन सॉइल फिल किया जाता है ताकि इसमें ऊपर घास और पेड़ पौधे लगाए जा सके। तो यहाँ पे जो फिलिंग मटेरियल है वो चेंज हो जाता है इन द केस ऑफ स्लोप। यहाँ पे देखिए VOP में विलेज कनेक्टिंग रोड के लिए फाइनल जो है सबग्रेड का लेयर डाल दिया गया है और उसमें ग्रेडिंग भी हो चुकी है और यहाँ पे फाइनल जो है रोलिंग करके फिनिशिंग टच दिया जाना बाकी है। और यहाँ पे देखिए अभी जो है SMA यानी एस्पाल्ट का वर्क होने के बाद में यहाँ पे पैरापिट का भी वर्क किया जाएगा। यहाँ पे देखिए फाइनल जो है सबग्रेड टॉप के लिए रोलिंग की जा रही है। यहाँ
यहाँ पे देखिए ये बहुत सारे परपोरेशन हैं जिसके साइड बाई ग्रेनुलर मटेरियल डाला गया है। इन फ्यूचर अगर कोई भी सीपेज है बेड में तो इन परपोरेशन के माध्यम से यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर आएगा। इस एक्सप्रेसवे से रिलेटेड सारे छोटे मोटे जो माइनर रोड हैं उनका सबका क्रस्ट जो है 540 mm रखा गया है, जो कि साधारण विलेज रोड से काफ़ी ज़्यादा है। और ये जो लोकेशन की बात की जाए तो यहाँ पे साइड में टोल प्लाजा बनने वाला है, तो टोल प्लाजा के लिए यहाँ पे बिल्डिंग बनाई जाएगी। तो इस बिल्डिंग के लिए यहाँ पे ब्लैक कॉटन सोइल था, उसको रिमूव किया गया है और उसके बाद में यहाँ पे मटेरियल की फिलिंग की जाएगी। और ये देखिए ये जो पोर्शन है पहले से छूटा हुआ है, जहाँ पे पीसीसी का वर्क करना बाकी है, यहाँ पे टोल बूथ इंस्टॉल करके फिर पीसीसी का वर्क किया जाएगा। और साइड में जो आरीवाल का वर्क प्रोग्रेस के अंदर है और डे बाई डे यहाँ पे पैनल इरेक्शन प्लस सबसिक्वेंट जो है लेयर का वर्क किया जाता है। और यहाँ पे देखिए फिलिंग करने के बाद यहाँ पे जो बॉटम सोइल है ब्लैक कॉटन सोइल रिमूव करने के बाद में यहाँ पे उसका ग्रेडिंग करके रोलिंग किया जा रहा है, और उसके बाद यहाँ पे फाइनल जो है मटेरियल की फिलिंग की जाएगी और एक सेम लेवल यहाँ पे अचीव किया जाएगा जो कि पीसीसी बॉटम लेवल रहने वाला है उस स्ट्रक्चर की बिल्डिंग का। और यहाँ पे देखिए ये जो ट्रेलर के माध्यम से यहाँ पे डे बाय डे पैनल का जो है लोडिंग और अनलोडिंग किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो बोरो एरिया है वो अप्रूव हो चुका है, और जिससे कि यहाँ पे फाइनल मटेरियल आरीवाल के प्रिपरेशन के लिए जो है मिल चुका है। और आपको पता है कि ये जो लोकेशन है यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत जो है फाइनल मटेरियल की है। किसी भी प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन के लिए सबसे बड़ी चीज़ है मशीनरी का मैनेजमेंट। और यहाँ पे देखिए ये दोनों क्रेन हैं, वहाँ पे गडर का अनलोडिंग करने के बाद में इंटरचेंज की तरफ इनका मूवमेंट किया जा रहा है और वहाँ पे गडर लॉन्चिंग का वर्क जो है किया जाना है तीसरे स्पेन में। तो वहाँ पे दो स्पेन में गडर लॉन्चिंग का वर्क किया जा चुका था और डायफ्राजम के माध्यम से बीम का भी जो है प्रिपरेशन कर लिया गया था, जिसमें जो साइड गडर है उसको स्टेजिंग के ऊपर होल्ड किया गया था, उसको बीम के साथ कनेक्ट करके और एक पूरा फ्रेम बना लिया गया है। और अभी हम देखेंगे गडर लॉन्चिंग। इन दो बड़े क्रेन के साथ में यहाँ पे बेखोज देख रहे होंगे, इनका जो मूवमेंट है ज़रूरी है क्योंकि बीच रास्ते में इनके लिए पाथ प्रिपेयर करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए स्टेजिंग जो है प्रिपेयर कर ली गई है और हाइड्रा के माध्यम से यहाँ पे जो इनिशियल मटेरियल है यानी कि रॉड वगैरह है ऊपर रखे जा रहे हैं और उसके बाद में यहाँ पे गडर लॉन्चिंग का वर्क किया जाएगा। ये 4 स्पेन इंटरचेंज 140 मीटर लंबा है और जिसमें प्रत्येक स्पेन 35 मीटर का है। यहाँ पे देखिए A2 साइड में भी आरीवाल का वर्क प्रोग्रेस में है और डे बाय डे यहाँ पे एम्बैगमेंट का फॉर्मेशन किया जा रहा है। इंटरचेंज की दूसरी साइड भी पहाड़ी पे कटिंग का वर्क जो है काफ़ी तेज़ी से प्रोग्रेस में है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। इस पैकेज की आगे की अपडेट के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं और वीडियो को शेयर करना ना भूले। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।